ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष को आमतौर पे जो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं उसमें वो तीन तिकड़म लगा के फ़ायदा लेते हैं। नगर पालिकाओं की अगर आप बात करें तो जब समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही या BSP की भी सरकार रही, BJP नगर क्षेत्र में मजबूत रही, इस बात को स्वीकार करने में मैं समझता हूँ कोई गलती नहीं है, वो नगर क्षेत्र में पहले भी मजबूत रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कितना असंतोष लोगों के मन में है, क्या वो वोट के तौर पर जाहिर होता है या नहीं होता है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आप सरकार की परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, जनहित के कार्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में अगर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और फैजाबाद, अयोध्या में नमक रोटी बच्चों को खाने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर इनके सरकार में प्रभु श्री राम के मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जल शक्ति मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तमाम मुद्दे तो हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अब ये वोट में कितने तब्दील होंगे इनके खिलाफ, ये 13 तारीख को पता चलेगा। इस देश के लोग भले ही महंगा पेट्रोल खरीदें, महंगी गैस की सिलेंडर खरीदें, भले ही उनको सरसों का तेल महंगा मिले, लेकिन गुजरात के उनके दोस्त को सब कुछ पूरा हिंदुस्तान मिलता चला जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उसको दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा उसको माफ़ कर दिया। तो मोदी जी का इंजन फेल हो चुका है, उन्होंने जितने वादे इस देश के लोगों से किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरा योगी जी का इंजन है, इस इंजन में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, इस इंजन में हमने देखा कि कोरोना की महामारी में शमशानों में लाशें बिछी हुई थी, इस इंजन में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लखीमपुर कांड हुआ जहां एक मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को कुचल के मार दिया। तो ये इंजन भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस इंजन में हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, उमेश पाल कांड हुआ, अतीक कांड हुआ, तो ये इंजन भी फेल है। अब नया इंजन चाहिए, केजरीवाल वाला, आम आदमी पार्टी वाला, झाड़ू वालों का। बिल्कुल ठीक है, लेकिन